देखते रहिए प्रसिद्ध मिश्रिक नैमिषारण्य की 84 कोसीय परिक्रमा के रंग आई इंडिया के संग। चौरासी कोसी परिक्रमा के पड़ावों की अलग अलग मान्यताएं हैं। सभी पड़ावों का अपना पौराणिक महत्व है। आई इंडिया ने पहले आपको दूसरे पड़ाव हरैया के पौराणिक पड़ाव से रूबरू कराया था। अब हम आपको परिक्रमा के तीसरे पड़ाव नगवा कोथावा की पौराणिकता और मान्यता से रूबरू कराएंगे। ये क्षेत्र नाग का विशेष क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में जन्मेजय मंदिर, आस्तिक मुनि मंदिर, नाग बाबा मंदिर सहित कई मंदिर ऐसे हैं जो नाग देवता के विशेष क्षेत्र होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। इसलिए तीसरे पड़ाव की पहचान नगवा की पहचान से होती है। बनगढ़ आश्रम महंत एवं 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति के सचिव महंत संतोष दास ने आई इंडिया को बताया कि प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन यहाँ के शिव मंदिरों में दर्जनों की तादाद में नाग सर्प के दर्शन किए जा सकते हैं। ये सभी नाग मंदिरों में स्थापित शिवलिंगों के आसपास बैठते और घूमते रहते हैं। महंत ने बताया कि पुराणों में ये भी वर्णन आया है कि यहाँ पद्मनाग नाम के नाग का निवास था। इससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र नागों का क्षेत्र रहा है, इसलिए इस पड़ाव का नाम नगवा के रूप में पड़ गया। महंत संतोष दास ने बताया कि परिक्रमार्थी कैलाशनाथ, खवीसनाथ, कोटीश्वर सहित कई तीर्थ देव मंदिरों का दर्शन करते हुए तीसरे पड़ाव नगवा पहुंचते हैं। परिक्रमा में शामिल साधु संत व देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु इस पड़ाव पर रात्रि विश्राम के बाद अगले चौथे पड़ाव गिरधरपुर उमरारी के लिए प्रस्थान करते हैं। आप सभी लगातार आई इंडिया से जुड़े रहिए। अगली कड़ी में हम आपको चौथे पड़ाव गिरधरपुर उमरारी के पौराणिक इतिहास व मान्यताओं से रूबरू कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।